हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी। दिस इज अवर जूम टू सेशन विद स्नैपएक्स। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले अबाउट स्नैपएक्स, व्हाई आई चूज स्नैपएक्स, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रेटजीज व्हाट आई प्रेफर विद स्नैपएक्स। यार मतलब लोगों को कंफ्यूजन होता ना अबाउट फॉरेक्स एंड बाइनरी की किस में जाना चाहिए, व्हाट इज बेटर, फॉरेक्स बेटर है या बाइनरी बेटर है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल आर आस्किंग एंड अगर फॉरेक्स बेटर है तो फॉरेक्स में कौन से प्लेटफॉर्म के साथ आप जा सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो ये सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं। और ये जो वीडियो है ये अपलोड होने वाली है यूट्यूब के ऊपर। और आज जितने भी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा। यार नाम लेना काफी मुश्किल होगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। एंड थैंक यू सो मच। आप लोग भी जुड़ सकते हैं यार, हमारे जो लाइव सेशन होते रहते हैं स्नैपएक्स के ऊपर, या और भी कभी सब्सक्राइबर्स के पार्ट हैं जैसे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू कॉन्टेक्ट मी। सो क्या उसके के लिए करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे इस वीडियो के, आप चेक कर सकते हैं हमारे स्नैपएक्स वाले ग्रुप को, और जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज अभी मैं आपको ना स्क्रीन शेयरिंग करूंगा, यानी स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ, और वहां पे आपको दिखाने वाला हूँ सम पीपीटीज और सम पीडीएफ, और जहां पे आप समझ जाएंगे स्नैपएक्स की सारी स्ट्रेटजीज के बारे में और कैसे हम स्नैपएक्स को यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल आस्किंग द सेम क्वेश्चंस कि सर स्नैपएक्स क्या है, कैसे स्ट्रेटजी यूज करते हैं, कैसे डिपॉजिट करते हैं, सारे सॉल्व हो जाएंगे। देखो भाई सिंपल सी बात बताऊं, यहाँ पे अभी मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या जो स्ट्रीम मेरी देख रहे हैं लाइव, सिंपल सी बात ये रहती है विड्रॉ से रिलेटेड और डिपॉजिट से रिलेटेड कंसर्न रहते हैं कुछ, कि भाई विड्रॉ करते हैं डिपॉजिट करते हैं प्रॉब्लम आ रही है या आ रही है वो आ रही है। तो स्नैपएक्स के साथ पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि मैंने काफी बार विड्रॉज लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इवन तो मैंने आज ही विड्रॉ लिया 8,000 रुपए का, 8,000 रुपए का मैंने विड्रॉ लिया आज ही, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्नैपएक्स के साथ। तो अच्छा है स्नैपएक्स, आप यूज कर सकते हो, ट्रस्टेबल है और बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले आपके साथ एक पीपीटी शेयर करता हूँ और पीपीटी के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चंस पे भी आएंगे। अगर सबके पास कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर होंगे, आप मुझसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ सकते हो। और यार ऐसा नहीं कि बोर होने वाला कोई बात नहीं है, आपको समझ बहुत सारी चीजें आएंगी, आपको बहुत सारी चीजें समझ आने वाली है इस लाइव सेशन के अंदर, जहां पे आपको ये समझ आएगा कि स्नैपएक्स ही क्यों चूज करना चाहिए अगर फॉरेक्स में जाना चाहते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म, बट मैंने स्नैपएक्स क्यों चूज किया एंड हाउ लाइक क्यों आप लोग स्नैपएक्स को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं स्क्रीन को शेयर करके आपको आपके साथ दिखाने वाला हूँ, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे स्नैपएक्स है बेटर है बाकी सब। मैंने स्नैपएक्स को क्यों चूज किया तो इसके पीछे का भाई सिंपल सा रीजन है। देखो स्नैपएक्स को यार देखो आप जो चूज करोगे ना एज अ पैसे कमाने के तरीके से मत चूज करो, एज अ लर्निंग की तरह के आप चूज करो। तो मैंने भी जब इसे चूज किया था एज अ लर्निंग की बेसिस पे मैंने इसे चूज किया था एंड मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले, यानी मैं काफी चीजें सीखा स्नैपएक्स के साथ। क्योंकि पहले मैं सोचता था कि हमारे पास डिपॉजिट के क्या मैटर थे, हम डेबिट कार्ड से यानी डिपॉजिट कर सकते थे, वीजा और बिटकॉइन से कर सकते थे, मास्टर कार्ड से कर सकते थे, बट स्नैपएक्स जब से आया तब से पता लगा कि देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स जहां से हम डिपॉजिट कर सकते हैं। यूएसडीटी का एक टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ERC-20 का इन्होंने एक टर्म्स इंट्रोड्यूस किया, लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। लो हैंडलिंग फीस इज द मेन हाईलाइटेड पॉइंट दैट आई डिस्कवर्ड विद दिस वेबसाइट, मुझे काफी अच्छी लगी, जहां पर इनकी हैंडलिंग फीस है वो ऑलमोस्ट बहुत ही कम है। लेवरेज इनका मिल जाता है 10 to 100 तक का लेवरेज आपको मिल जाता है। किसी को नहीं समझ आ रहा भाई लेवरेज क्या है तो पूछ सकता है। सेफ्टी के लिए यहाँ पे आपको 90% का मार्जिन मिल जाता है, लो एंट्री यहाँ पे आपको मिल जाती है, ठीक है। लो एंट्री इन द सेंस 5 USDT के साथ आप जा सकते हो $1 के साथ, जो कि मुझे नहीं लगता कोई भी और वेबसाइट या फिर कोई और आपको प्रोवाइड करता है। लेवरेज बता दिए, लेवरेज एक्चुअली देख दोस्त क्या होता है ना, लेवरेज लेवरेज का मतलब होता है तो कितनी रिस्क ले सकता है, मतलब कहने का मतलब है आप 10 पे मतलब कि आपको मिनिमम रिस्क है और मिनिमम प्रॉफिट है, ठीक है। और अगर आप ज्यादा जाते हो तो वहां पे ज्यादा रिस्क हो जाएगा आपको, जैसे 100 पे चले जाओगे तो रिस्क ज्यादा है लेकिन आपका मार्जिन जो होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। की फीचर्स अब हम बात करेंगे की फीचर्स के बारे में। तो देखिए यार भाई सबसे पहले जब हम स्नैपएक्स के साथ आते हैं ना तो सबसे मेन कंसर्न हमारा आता है कि स्नैपएक्स को ही क्यों चूज करें, क्योंकि मुझे स्नैपएक्स काफी पसंद आती है और स्नैपएक्स वालों को भी काफी पसंद आ गया हूं मैं, इसलिए ये सारे इवेंट चलते रहते हैं, ठीक है। तो की फीचर्स के बारे में देखो भाई, स्नैपएक्स जो है रियल टाइम डेटा को कंबाइन करता है 3 largest क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में। देखो भाई सिंपल सी भाषा में बताऊंगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ये। देखो बाइनेंस का नाम आपने काफी सारे लोगों ने सुना होगा, बाइनेंस नहीं सुना होगा तो भाई गूगल पे सर्च कर सकते हो। ओकाई का भी नाम आपने काफी लोगों ने सुना होगा, OKEX का भी नाम, ओकाई बोलते हैं यार हम लोग इसको ना, पता नहीं आदत पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसका भी नाम आपने काफी लोगों ने सुना होगा। तो इन लोगों का ना तीनों का एक कॉम्बिनेशन क्रिप्टो एक्सचेंज प्रोवाइड करता है, इसलिए मतलब ये जो है इन तीनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज आपको मिलती है, इसीलिए यहाँ पे जो है स्नैपएक्स बेटर है। ओके नेक्स्ट स्लाइड।
ओके तो अब बात करने वाले हैं अदर की फीचर्स के बारे में. तो यहाँ पे स्नैप वॉलेट जो है आपको लोकल इनक्रिप्टेड डेटा देता है, मतलब कि इनका आपका कोई डेटा इनके पास नहीं जाएगा, सिंपल सी भाषा है. ओटीसी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है, ओटीसी फंक्शंस, इंटीग्रेटेड पार्टनर्स, ओटीसी एक्सपेक्टेड, ठीक है, ये सारी चीजें है, नॉर्मल सी बात है. ओके नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके तो स्नैपएक्स क्रिप्टो मार्जिन ट्रेडिंग मेड इजी. तो देखो यार देखो क्रिप्टो करेंसी में जब आप ट्रेड लेते हैं ना, राज अफ्ताब रोहन एंड देयर लॉट्स ऑफ पीपल आर कनेक्टेड राइट नाउ सूरज. ओके तो जब हम क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड लेते हैं ना तो हमारे सामने मेजर प्रॉब्लम क्या आता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए सूरज यहाँ पे, मजा आएगा यार, देखो इंटरेस्ट लगेगा सूरज. ओके तो क्रिप्टो करेंसी में जब हम ट्रेड लेते हैं ना तो यहाँ पे हमारे सामने मेजर इशू आता है कि भैया हम कैसे एंट्री करें, यानी कि 5 USDT के साथ ना, 5 USDT के साथ ये प्लेटफॉर्म आपको एंट्री करने के लिए देता है कि भाई 5 USDT कम से कम लगाओ और स्नैपएक्स के साथ जुड़ जाओ, बाकी कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता. ओके यार गाइज मेरा जो इंटरनेट है वो काफी अच्छा नहीं चल रहा है. तो यार देखो यूजर इंटरेक्टिव इंटरफेस यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है जो कि मुझे काफी प्यारा लगा यार, यूजर इंटरेक्टिव इंटरफेस यहाँ पे. गेट ऑल द लेटेस्ट मार्केट डेटा, यहाँ पे आपको जो है सारा लेटेस्ट डेटा मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात है. हम जो है काफी सारा डेटा यहाँ से ले सकते हैं. एंड द थर्ड थिंग इज रिडीम योर स्नैप पॉइंट्स, आप अपने स्नैप पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हो. भाई ये काफी चीज अच्छी लगी मुझे. ओके काफी अच्छा लगा मुझे कि आप अपने स्नैप पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हो. और भाई जैसे आपके पास 10,000 स्नैप पॉइंट्स हो जाते हैं ना, देन आप 10,000 स्नैप पॉइंट्स को 100 USDT में, यानी 100 USDT में कन्वर्ट कर सकते हो. और 100 USDT इक्वल्स टू 7,800, लेकिन यार रुपीज के बराबर होते हैं. लेकिन एक बात बता देता हूँ, ये प्राइस वेरी करता है, ठीक है, ये प्राइस वेरी करेगा मार्केट के अकॉर्डिंगली, ठीक है. ओके सो गाइज अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हम मल्टी स्क्रीन कैसे यूज कर सकते हैं. देखो यार फॉरेक्स के अंदर ना मल्टी स्क्रीन का जो फीचर है बहुत कूल फीचर होता है. मतलब कहने का मतलब है हम एक ही टाइम पे 4 या 5 चार्ट को यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इतने सारे चार्ट को देख के हम एनालाइज कर सकते हैं मार्केट को बेसिकली, कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है और हमें क्या करना चाहिए. मतलब अगर टोटली डाउन ट्रेंड पे है तो हमें बिना सोचे समझे डाउन ट्रेंड पे जाना चाहिए. मतलब ये स्ट्रेटजीज होती है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इन स्ट्रेटजीज के साथ आप यूज कर सकते हो. मोबाइल यूजर्स के लिए हो सकता है. हाँ बिल्कुल, मोबाइल यूजर्स के लिए हो सकता है. आप डाउनलोड कर सकते हो यार, नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है. मल्टीपल डिपॉजिट एंड विदड्रॉ ऑप्शन, करेक्ट. यहाँ पे आपको जो डिपॉजिट के ऑप्शन मिल जाते हैं BTC का मतलब होता है भाई बिटकॉइन डिपॉजिट. एंड सेकंड मिलता है वो मिलता है USDT ओमनी. एंड तीसरा जो मिलता है जो बेसिकली मैं यूज करता हूँ डिपॉजिट के लिए, वो ये यूज करता हूँ USDT ERC20. काफी अच्छा है भाई, ऐसा मत समझो कि ये डिफिकल्ट प्रोसेस है, डिफिकल्ट मेथड से, ऐसा कुछ भी नहीं है. USDT ERC20 के साथ आप डिपॉजिट कर सकते हो बहुत इजीली. आपको क्या करना है, डिपॉजिट का जो इनका सेक्शन है उस पे जाना है. जैसे आप डिपॉजिट के सेक्शन पे जाओगे वहां पे आपको एक नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, उसको बोलना है कि भाई मुझे $100 को डिपॉजिट करने है, तो वो आपको करवा देंगे. बहुत ईजी है, बहुत मतलब बैंक का भी झंझट नहीं पड़ता भाई यहाँ पे. अब आते हैं विड्रॉल के मेथड पे. तो विड्रॉल के लिए देता है USDT ओमनी, USDT ERC20 और BTC. तो मैं क्या करता हूँ ना, USDT ERC20 पे डिपॉजिट करता हूँ एंड सेम मेथड से विड्रॉल लेता हूँ. बट दे आर लॉट्स ऑफ मेथड्स, ठीक है. क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड बाय BTC एंड लाइक, जो अगर आप BTC को बाय करना चाहते हो तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, वीजा कार्ड एंड मास्टर कार्ड बहुत हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए. इन्हीं से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको कहीं और चलाने पड़ेंगे. ओके सो ट्रेड एंड गेट रिवॉर्डेड. तो भाई स्नैप पॉइंट्स जो है मेजर पॉइंट आउट रहना, मेजर बात रहेगी स्नैप पॉइंट्स. स्नैप पॉइंट्स क्या है भाई, सिंपल सी बात बता देता हूँ. स्नैप पॉइंट से आपको जैसा कि बताया 1000 स्नैप पॉइंट जैसे आप कर लोगे, माफी चाहूंगा 10,000 स्नैप पॉइंट जैसे आप कर लोगे, उसको आप 100 USDT में कन्वर्ट कर सकते हो. और स्नैप पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, छोटे छोटे टास्क होते हैं, कंप्लीट करते रहो. तो मैंने भी अभी तक 9,500 के आसपास स्नैप पॉइंट्स कर लिए हैं. सिर्फ 500 और चाहिए, फिर स्नैपएक्स वालों से मैं 7,500 रुपए लेने वाला हूँ. यहाँ पे एक और अच्छी चीज है यार, इनका जो कोलेब्रेशन है ना वो काफी अच्छा रहता है. इनका जो ग्रैंड प्राइजेस पूल रहते हैं वो काफी अच्छे रहते हैं. वर्ल्ड ट्रेडिंग ग्रैंड प्राइजेस इनके देखो 6 लाख USDT के आसपास है, ठीक है, 6 लाख USDT भाई, खतरनाक. 9 अगस्त 5 सितंबर तक रहा था 2019 में, और काफी अच्छा रहा था, काफी अच्छा. 600 जो इनका यूजर्स है वो इंक्रीज हुए थे 600% एंड 733% इंक्रीज हुई थी ट्रेडिंग के अंदर वॉल्यूम इनकी. इट्स गुड यार, इट्स गुड. इंडिया के अंदर ये एक्सपेंड कर रहे हैं, इंडिया के अंदर बिल्कुल नए नए हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं. अच्छी बात है यार, मुझे अच्छा लगा इनका इनिशिएटिव और प्लेटफॉर्म भी अच्छा लगा बेसिकली. अदरवाइज मैं ऐसे किसी प्लेटफॉर्म के साथ नहीं जुड़ता हूँ, बट प्लेटफॉर्म इज गुड. तो यहाँ पे 2019 ऑफलाइन इवेंट्स. ओके तो देखो 2019 में ऑफलाइन इवेंट कौन से हुए थे. देखो ये यहाँ पे ऑफलाइन इवेंट आप देख पा रहे हो जिसमें से एक का मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था. लेकिन एक बात बताऊं, 2020 में ऑफलाइन इवेंट होने वाला है इंडिया के अंदर. जी
इंडिया के अंदर होने वाला है, आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री होगा, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें मेरे से भी मिल सकते हो यार आप, ठीक है, आप मिलके बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जैसे ही मतलब ये कोरोना वाला सीन खत्म होता है ना थोड़ा सा, देन वी कैन मीट एंड वी कैन डू ऑफलाइन इवेंट्स, ठीक है, जैसे कि इन्होंने बाकी सारी कंट्री में कर लिया है, लेकिन इंडिया के अंदर अभी तक इन्होंने कोई ऑफलाइन इवेंट नहीं किया है। तो स्नैपेक्स के साथ जुड़ने में क्या फायदा है? मुझे तो लगता है काफी फायदा है, क्योंकि आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हो, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स वी कैन डू विद स्नैपेक्स। और अगर कंपैरिजन ही करना है ना भाई, अगर तुम्हें जाना ही है ट्रेडिंग के अंदर तो किसी के साथ भी जाओ, लेकिन अच्छा है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, इसके एफिलिएट प्रोग्राम के साथ भी आप जुड़ सकते हो, अगर आप रेफर करते हो तो आपको 40% तक का कमीशन यहाँ पे मिल जाता है फ्रॉम स्नैपेक्स। इट्स गुड थिंग, आई थिंक इट्स गुड। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑलरेडी अगर आप जुड़ते हो तो देयर लॉट्स ऑफ कमीशन एंड एफिलिएशन डिस्काउंट एंड फीस आल्सो प्रोवाइडिंग बाय स्नैपेक्स। तो यहाँ पे वी आर आल्सो सपोर्ट एंड प्रोवाइडिंग द ब्रांड एसेट्स, मार्केटिंग कोलैबोरेशंस, कम्युनिटी चैनल्स, स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग प्लान्स दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग। दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ स्नैपेक्स। व्हाट आई फील अबाउट कि यहाँ पे स्नैपेक्स जैसा प्लेटफॉर्म है, मतलब जैसे कि देखो यार यूजर्स के बारे में सोचता है, ठीक है, बाकी सारे तो ठीक है, लेकिन यूजर्स के बारे में सोचता है ये वाला प्लेटफॉर्म स्नैपेक्स। और यही कारण है यार कि मैं अभी जूम पे जो मीटिंग कर रहा हूँ ना, सिर्फ स्नैपेक्स पे कर रहा हूँ और फोकस्ड है, क्यों? क्योंकि अच्छा है यार प्लेटफॉर्म। ओके, देखो इन्होंने अपने आप को नंबर वन एफिलिएट प्रोग्रामर कहा है इन क्रिप्टो में, ठीक है, मुझे नहीं पता ये चीज सही है या गलत है, बट माइट बी इट्स लाइक काइंड ऑफ, अगर ये चीज सही है तो मतलब कहने का मतलब है, मैं व्हाट आई फील पर्सनली दैट अगर ये नंबर वन नहीं है तो दो तो है यार, नंबर टू तो है, क्योंकि 50% तक का कमीशन कोई किसी को भी नहीं मिलता है, और 10% का इनडायरेक्ट कमीशन भी ये प्रोवाइड करते हैं आपको, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एसेट्स भी ये प्रोवाइड करते हैं, गेट एक्सक्लूसिव एफिलिएट प्रमोशंस टू अट्रैक्ट न्यू यूजर्स। ऑफकोर्स जब आप नए आते हो ना यहाँ पे, आपको काफी सारे प्रमोशनल कूपन, मतलब प्रमोशनल चीजें मिल जाती है, जहां पे आप यूएसडीटी इंक्रीज कर सकते हो अपने अकाउंट के अंदर। इट्स गुड एफिलिएट अर्निंग estimation of this company. So guys, I'm talking about the Snapex overall performance. Okay, यहाँ पे हम overall performance को judge करने वाले हैं Snapex की तरफ से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहले महीने में जब इन्होंने start किया था तो commission almost रहता है 2,114, but second month में देख रहे हो आप किस तरीके से increase होता है, and third month में जाके तो भैया आग ही लगा देता है। तो affiliate अगर आप बनना चाहते हो ना, अगर आप affiliate बनना चाहते हो guys Snapex के, तो what you need to do, आप इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, वेबसाइट पे एफिलिएट का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, वहां पे जाके आप स्नैपेक्स के साथ एफिलिएट बन सकते हो, यानी स्नैपेक्स के ऑफिशियल पार्टनर बन सकते हो विद सम परसेंटेज ऑफ कमीशन, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ रिपोर्ट्स दिख रही होगी आपकी, आपको मंथ वन, मंथ टू एंड मंथ थ्री, एंड यहाँ पे आप डायरेक्ट इन्विटीज एंड इनडायरेक्ट इन्विटीज का जो रेशियो है वो देख सकते हैं, द स्टैटिक्स है, द एनालिटिक्स है, वो सारी चीजें आप यहां से जज कर सकते हो, एंड इट इंक्रीजिंग, इट्स इंक्रीजिंग। लाइक द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ग्राफ, एफिलिएट अर्निंग की बात करते हैं तो यार भाई इंडिया का तो अभी नंबर नहीं है यहाँ पे, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आपको इंडिया का फ्लैग भी दिखने वाला है। चाइना में है अभी फिलहाल काफी, एंड यूएसए यही अभी तक नंबर वन पे है। जो टॉप एफिलेटर्स है, आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप एफिलेटर्स, सो यहाँ पे आप आईडीज देख पा रहे हो एफिलेटर्स की, और यहाँ पे आप अर्निंग देख पा रहे हो, भाई माशाल्लाह भाई आग लगा दी भाई, 1,26,974 यूएसडीटी का प्रॉफिट, और वो भी सिर्फ एक महीने में, भाई लखपति होता है ना उससे भी ज्यादा कमीशन ये लोग कमा चुके हैं, और ये स्टैटिक्स जो है रियल डेटा पे बेस्ड है। अगर आप टोटल की बात करोगे तो अभी तक ये लोग अपने एफिलेटर्स को कितना पैसा दे चुके हैं, 3,57,752 यूएसडीटी। ऑसम। तो स्नैपेक्स की वेबसाइट आप देख सकते हैं www.snapex.com, और ठीक है इनका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिंगापुर। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द हाउ यू कैन रजिस्टर विद स्नैपेक्स, स्नैपेक्स के साथ आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि भाई कैसे मैं रजिस्टर करूंगा स्नैपेक्स के साथ। तो स्नैपेक्स के साथ रजिस्टर करने के लिए आप डायरेक्टली ऐप का यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐप का यूज करने के बाद भी आप जो लिंक यूज करोगे ना रजिस्टर करने के लिए, यानी कि अपना अकाउंट बनाने के लिए, वो यूज कर सकते हो। ये जो लिंक आपको दिया हुआ है ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी जो चीज, आप सब्सक्राइब कर सकते हो यार टेक्निकल चैनल को, यानी कि मेरे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो अपडेट्स के लिए, देखोगे t.me/avisnapex के नाम से आपको जो मिल जाएगा। तीसरी जो चीज है, आप फॉलो कर सकते हो लेटेस्ट अनाउंसमेंट के लिए स्नैपेक्स का जो ऑफिशियल चैनल है। अब बात करते हैं डिपॉजिट की, तो गाइज आप कैसे डिपॉजिट कर सकते हो। द बेस्ट थिंग मुझे जो लगी यार, देखो यहाँ पे आप दो इंटरफेस देख पा रहे होंगे, लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है मोबाइल इंटरफेस, एंड राइट साइड में आपको दिख रहा है उसके साथ ही coin.wallet.io। तो ये क्या है ये आपको बता देता हूँ बेसिकली। देखो
अगर आपको डिपॉजिट करना है ना, तो देखो आपको मोबाइल के अंदर जाना है, डिपॉजिट वाले सेक्शन पे जाना है, तो आपको देखो एक 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 कोड मिल जाएगा, यानी कि एक एड्रेस मिल जाएगा। उस एड्रेस को आपको कॉपी करना है, यूएसडीटी के एड्रेस पे आपको पेस्ट कर देना है, यानी कि आपको एक वेबसाइट पे जाना है coin.wallet.io, और अमाउंट लिखना है, एंटर करना है, और अमाउंट जो है आपका सीधा ट्रांसफर हो जाएगा आपके वॉलेट में। ठीक है, जो अमाउंट है वो आपके SnapX वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। इट्स गुड। एंड दूसरी जो चीज है, आप एक तरीके से और जा सकते हो, दूसरा और तरीका है, यहाँ पे वैरायटी ऑफ मेथड्स आपको मिल जाएंगे फॉर डिपॉजिट। यहाँ पे बाय पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक आ जाएगा पोलाइनेशन और दूसरा आ जाएगा जिंग पे। तो यहाँ पे बेसिकली मैं जो जाता हूँ पोलाइनेशन के साथ जाता हूँ, आप जो है जिंग पे के साथ भी जा सकते हो। बेसिकली ये मर्चेंट है जो आपको बाय और सेल में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं कि व्हाई नॉट फॉरेक्स और एनी मार्जिनल ट्रेडिंग। देखिए, ऑफकोर्स इट्स गुड, लाइक ये अच्छी लगा मुझे। देखो क्रिप्टो मार्केट है ना, देखो एक चीज बताता हूँ गाइज, यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्रिप्टो मार्केट जो होता है वो इजी होता है प्रिडिक्ट करने के लिए। व्हाट आई फील अबाउट SnapX दैट like mostly if I'm basically predict the market of forex and binary, it's slightly difficult when I predict SnapX market. Yani ki in SnapX we can predict crypto market, or crypto market slightly easier than forex, any other forex market. Okay, so yahan pe isliye main aapko jo hai suggest karta hu ki crypto market thoda sa easy milega aapko. Agar aapko yahan pe uptrend milega then wo up hi jayega, अगर आपको ये डाउन ट्रेंड मिलेगा तो डाउन ही जाएगा। इट्स गुड। तो क्रिप्टो मार्केट ना, जहां पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर बंपिंग डंपिंग होती रहती है, यानी कि किस तरीके से जो प्राइस है वो चेंजेस होते हैं, किस तरीके से यहाँ पे सिनेरियोस चेंजेस होते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मूवमेंट्स, जो मार्केटिंग मूवमेंट्स यहाँ पे रहते हैं क्रिप्टो मार्केट में, तो यहाँ पे बाकी अदर मार्केटिंग, जैसे कि आपको दो चार्ट दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे दिख रहा है डेली लाइन कंपेरिजन चार्ट, एंड देन अदर जो चार्ट दिख रहा है आपको वो दिख रहा है मंथली लाइन कंपेरिजन चार्ट। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, आप डेली लाइव कंपैरिजन चार्ट को देखो एक बार, देखो और आप एक बार देखो मंथली लाइन कंपैरिजन चार्ट को, आपको कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा यहाँ पे। कहने का मतलब है आप दोनों चार्ट को देखोगे ना, यानी कि एक ही ट्रेंड दिख रहा है आपको यहाँ पे डेली में, आपको एकदम क्लीन जो है मिल रहा है, कोई यहाँ पे मूवमेंट ज्यादा नहीं है। बट अगर आप मंथली में देखोगे, यहाँ पे आपको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, द ट्रेंड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ना ज्यादा मुश्किल नहीं होता प्रिडिक्ट करना, लाइक दैट बाइनरी में जितना मुश्किल होता है, फॉरेक्स में जितना मुश्किल होता है। इट्स गुड, एंड दिस इज द रीजन आई एम कनेक्टेड विद SnapX। सबसे अच्छी बात भाई, यहाँ पे 24/7 को ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब 24/7 यू कैन ट्रेड हियर। देखो गाइस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, जब हम बाइनरी के साथ ट्रेड करते हैं, जब हम फॉरेक्स के साथ ट्रेड करते हैं, तो लॉट्स ऑफ पीपल आर आस्किंग मी, और जो मुझे कहते हैं कि सर हमें जो ट्रेड करना है वो 24/7 करना है, बट वी कांट डू दैट। व्हाई? सो मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ भाई यार नहीं कर सकते, सैटरडे एंड संडे को हमेशा ओटीसी मार्केट ओपन रहता है, बाकी सारे मार्केट क्लोज रहते हैं। तो मुझसे सारे लोग कहते हैं कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं 24/7, तो दिस इज द प्लेटफॉर्म विथ वी कैन ट्रेड 24/7। ओके, दिस इज द गुड, क्योंकि बिटकॉइन होता है ना, यहाँ पे आप ओटीसी मार्केट भी ओपन ही रहता है फॉरेक्स में, बाइनरी में, तो यहाँ पे आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो फिगर देख पा रहे हो, फिगर नंबर वन एंड फिगर नंबर टू, जहां पे आप यूएसडी इंडेक्स देख पा रहे हो बिटकॉइन के प्राइस को, ट्रेंड को, जो कंपैरिजन को शो कर रहा है, 2015 एंड 2016 का जो स्टॉक क्रैश हुआ था उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, आज जो बेस्ट पार्ट है फॉर दिस लाइव सेशन, आज हम बात करने वाले स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो यार भाई देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो स्ट्रैटेजी है भाई, सब लोग इस स्ट्रैटेजी के दीवाने हैं। दीवाने बोले तो भाई एक्चुअली क्या है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको काफी सारी चीजें मिल जाती है, आपको अच्छा अंदाजा लगता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सपोर्ट का मतलब होता है कि नीचे जो लाइन होती है ना, नीचे आपको ट्रेंड जो मिलता है। ओके, सो यहाँ पे आपको जो नीचे का जो लाइन दिख रहा है सपोर्ट वाला, तो यहाँ पे देखेंगे आप एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है, तो ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है ना ऊपर की तरफ एरो, तो जैसे ही आपको यहाँ पे हिट करता है मार्केट, तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है। और ये कैसे पता लगेगा, जब आप मार्केट को एनालाइज करोगे, ठीक है, काफी देर तक एनालाइज जब आप मार्केट को करोगे तो आपको ये चीज पता लगेगी। ठीक है, और लेवल देखो, रेजिस्टेंस लेवल भी सेम इस तरीके से आप जा सकते हो, इसमें भी आपको पता लग जाएगा। फॉर दिस सेशन, आज का जो सेशन है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे लगता है काफी सारी चीजें आपको जरूर सीखने को मिली होगी इस सेशन में, और मतलब लाइक जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो जरूर समझ जाएंगे अबाउट SnapX और व्हाई आई चूज SnapX, एंड SnapX को चूज करने के पीछे क्या क्या मतलब टोटल चीजें हैं, मैंने इसको क्यों चूज किया, बेसिकली क्या फायदे हैं मेरे, क्या फायदे आपको हो सकते हैं, ये सारी चीजें मुझे लगता है काफी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच यार गाइज फॉर ज्वाइनिंग अस।